मतलब इंडे दीवार बनगो छू पूरो टूरिस्ट और इंडे खाबे की चीज अतरी बढ़िया सी गुजराती कि मन तो लागे छे कि खाखार मतलब वजन भी डाल ले जाऊला पहले तो मोटो हो रही जरूर और मोटो हो जाऊला खूब सारी खाबे की चीजा खा रहे पेट फुल छे जतसु आया जतसु गुजरात आया जा जतसु बिल्कुल पेट फुल छे अब मजा सु तो गुजराती खाना को तुम्हें पूरा मजो यही ला राम राम सा नमस्कार मैं राजेंद्र निवाड़ा और फिर देख रहा छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं आयोड़ा सा दीव गुजरात के पास में ही है तो ये वास्ते इंडे गुजराती खानू बढ़िया मिले से तो मैं मंगाई छू गुजराती थाली तो मतलब रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे से तो बिल्कुल समुद्र के किनारे बैठ और गुजराती खाने खावा को आज मौको मिल रही है मैंने अभी चाखा सा कहीं कहीं से पहले तो पूछा था तो सर ये बताइए कि क्या क्या है इसमें। इसमें सर ये गुजराती थाली है इसमें पांच तीन सब्जी है। अच्छा उसमें सब्जी काई काई की है सब्जी है एक बैगन का सब्जी है एक कठोर में मिक्स कठोर है एक पोटैटो का सब्जी है एक और कढ़ी खिचड़ी पांच चपाती और पापड़ और बटर मिल्क और ये सांभर बोलेंगे इसको सांभर। तो देखो राजस्थानी आदमी सा तो पापड़ तो खा वाला सबसे लास्ट में है ना और शुरू करा था थैंक यू भैया अच्छा पाती आगी आपा तो राजस्थान में अगर आने मोटी मोटी रोटी बनाओ जा लेकिन ये देखो चपाती बिल्कुल पतली पतली चपाती सी तो शुरू करा था तो सबसे पहले शुरू करा था ऐश तो बढ़िया से सब्जी को और तीन सब्जी मिली जी मैंने और कढ़ी मिली से गुजराती कढ़ी का बारे में बताया जी क्या थोड़ी सी मीठी हो तो भी अभी टेस्ट करा ला क्या मैं टेस्ट कर रही हूँ बैंगन की सब्जी थोड़ा थोड़ा मेन्यू चेंज कर दीजिए है कल भी मैं गुजराती थाली खाया था कल थोड़ी सब्जी अलग थी और दो सब्जी टेस्ट कर लिया तीसरी सब्जी टेस्ट करा था और अच्छा आलू की सब्जी मैं सुने था कि गुजराती सब जहाँ में थोड़ा थोड़ा मीठो हो चाहे लेकिन आम में तो मीठो हो ना कि मैं मीठो आप नहीं मिले देखो आखी तो मैं कौन कह सकूँ लेकिन मैंने ठंडी बहुत जोरदार लगी। देखो थाली मैंने 160 रुपये में मिली है तो मेरा हिसाब से तो बढ़िया से थाली और सलादों को पापड़ों की सारी चीज़ें से और गुजरात में बताओ करी कि हर खाना एक साथ खिचड़ी भी इतने मिले से तो आ खिचड़ी को भी आप टेस्ट करा था खिचड़ी भी बढ़िया से मिट्टी को ना मैं तो घर न बनावा जना चीनी के रखा हुआ था लेकिन आई मैं चीनी को कुल मिलार थाली टेस्टी लगी अब आनंद लिया था। अच्छा एक बात और मैं सुबह नाश्ता कर रहा था ब्रेकफास्ट वो भी गुजराती से तो बी को मैं अलग से वीडियो बनाया था वो भी थे जरूर देख जो क्योंकि बी मथा ने गुजराती जो नाश्ता है बी का बारे में देख बाट मिल लो जलेबी खाया जा फाफड़ा खाया जा और भी काफ़ी चीज़ा मिथान भी खावला तो वो वीडियो भी थे जरूर देख जो। तो दोस्तों वो खाणु फिनिश कर लिया था आपा अच्छो लगे मन तो पास तो चपाती सी पतली पतली सी दिन में और क्यों खाएड़ा चाहिए वास्ते काम चल गो और खड्डी भी बढ़िया लगी थान वो वीडियो का शौक लगे हो मान कमेंट्स कर जरूर बता दियो और अच्छो लगे हो तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए तो देखता रहो राजू का सफरनामा राम राम सा।